हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इस वीडियो में बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट टू पेपर थ्री देखेंगे बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट टू पेपर थ्री है ये पार्टली पुत्रा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है ये कोर्स जो है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पाटली इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ए कॉलेज पटना में करवाया जाता है ए कॉलेज पटना में ठीक है तो ये पार्ट टू का पेपर तीसरा है ठीक है पेपर थ्री ऑनर्स पेपर है देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ इक्वल वैल्यू आंसर एनी फाइव क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम इच ग्रुप ठीक है पांच क्वेश्चन को करना है एटलीस्ट एक क्वेश्चन को जो है प्रत्येक ग्रुप से लेना है क्वेश्चन नंबर वन कंपल्सरी है ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है द इंट्रीगेशन ऑफ स्क्वायर वेव विल बी स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता है ट्रेंगुलर वेव मिलता है दूसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर वेव सिग्नल इज प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर वेव जो है सिग्नल कैसे प्रोड्यूस होता है तो ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है स्क्वायर वेव सिग्नल को जनरेट करता है ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्वेश्चन नंबर थ्री पे आइए थ्री का रहा है टू मेजर द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए क्वाइल कोई भी क्वाल का क्वालिटी फैक्टर मेजर करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग यूज क्यू मीटर का यूज किया जाता है क्वालिटी फैक्टर मीटर का यूज किया मीटर से क्यू मीटर की मदद से हम लोग क्वालिटी फैक्टर क्वाल का क्वालिटी फैक्टर को मेजर करते हैं डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर है द कैलबिन ब्रिज इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग कैलबीन ब्रिज की मदद से क्या मेजर किया जाता है कैलबिन ब्रिज की मदद से जो है लो रेसिस्टेंस को मेजर किया जाता है ठीक है हाई रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए मेगर का यूज किया जाता है और मीडियम रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए मीडियम के लिए ब्रिज 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 का का यूज किया जाता है की मदद मतलब से लो रेसिस्टेंस को मेजर किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है पचवा नंबर द वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज बेसिकली वेन ब्रिज ऑसिलेटर क्या है आरसी ऑसिलेटर है आरसी ऑसिलेटर रेसिस्टर और के मिला के बनता है छठा है एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंटेन। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है इनपुट इनफाइनाइट होता है और आउटपुट इम्पीडेंस जीरो सातवां क्वेश्चन है द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ ए लेजिंग सिस्टम इज आर एक्टिव मीडियम कैविटी पंपिंग सोर्स ऑल ऑफ द 7 का ऑल ऑफ द एब एट है रूबी लेजर इज एन एग्जांपल ऑफ रूबी लेबर किसका एग्जांपल है रूबी लेजर जो है थ्री लेबर लेजिंग सिस्टम का एग्जांपल है थ्री लेबर लेजिंग सिस्टम का एग्जांपल है नाइन देखिए नाइन क्या कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए रूबी लेजर इज अबाउट रूबी लेजर के द्वारा जो है रेडिएशन इमिटेड जो रेडिएशन इमिट होता है रूबी लेटर उसका नौ सौ चौवन नैनोमीटर सॉरी छः सौ चौवन नैनोमीटर छः सौ चौवन सॉरी छो चौरानवे नैनोमीटर छः सौ चौरानवे ठीक है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा नाइन का ए हो जाएगा नाइन का ए हो जाएगा टेन देखिए सेमी कंडक्टर लेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लेजर का एग्जाम्पल है सेमी कंडक्टर लेजर ठीक है तो ये टोटल दस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब्जेक्टिव देखिए ग्रुप ए से दूसरा का ए है एक्सप्लेन द द्रेक डाउन इन द दिन डायोड इसी का बी नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द दस रीजन एग्जिस्ट इन ऑफ ए टनल डायोड क्वेश्चन नंबर टू है क्वेश्चन नंबर थ्री है डिफ्रेंसिएट बिटवीन करेंट कंट्रोल्ड करेंट कंट्रोल एंड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इसी का बी क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ ए बीजेटी एंड एस्टेब्लिश ए रिलेशन एमोंग इट्स टर्मिनल करेंट क्वेश्चन नंबर फोर का ए है डिस्कस द टर्मिनल करेंट एनालिसिस ऑफ ए सिल्कन कंट्रोल रेक्टिफायर यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री बीजेटी एनालॉजी इसी का बी नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिल्कन कंट्रोल रेक्टिफायर

सोर्स इन ए लेजिंग सिस्टम इसी का बी क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ ए पल्स रूबी लेजर क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्वेश्चन नंबर सेवन है ग्रुप बी का मेंशन द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसी का बी नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्वेश्चन नंबर एट है एक्सप्लेन द डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ ए सी मीटर इसी का बी क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सर्किट डिजाइन ऑफ ए सी वोल्ट मीटर यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट क्वेश्चन नंबर नाइन है डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैथोड रे ट्यूब सी आर टी का कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करना है इसी का बी नंबर क्वेश्चन है ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ ए कैथोड रे ट्यूब क्वेश्चन नंबर टेन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग चार दिया है इसमें से कोई दो पे जो है शॉर्ट नोट्स लिखना है मैक्सवेल ए सी ब्रिज वेन ब्रिज ऑसिलेटर सैम्पल एंड होल्ड सर्किट और चौथा है सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर ये चार में से कोई एक पे लिखना है तो ये बी एस सी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट टू पेपर थ्री है ठीक है दो ऑनर्स पेपर होता है पेपर थ्री और पेपर फोर पार्ट टू में जैसे कि पार्ट वन में पार्ट वन में दो पेपर होता है पेपर वन और पेपर टू उसी तरह पार्ट टू में जो है पार्ट टू में भी दो पेपर होता है पेपर थ्री और पेपर फोर तो ये पार्ट टू का पेपर थ्री है देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच